गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हेजलनट के बारे में बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये है हेजलनट्स। ये खास किस्म का बीज होता है जो हमारे यहाँ इंडिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है या खुद नहीं उगता है। ये ठंडी जगहों पर होता है, खासतौर से जहां नरम गरम मौसम रहता है। तो ये इंग्लैंड में होता है, उत्तरी अमेरिका में होता है, इटली, स्पेन, तुर्की आदि में होता है। इसका कोई हिंदी या संस्कृत नाम नहीं है और ये यहां पर नहीं होता, इस वजह से इसको हम हेजल नाम से ही बुलाएंगे। बाकी ये है कि फारसी में एक दो जगह मुझे इसका रेफरेंस फुंदुक नाम से देखने को मिला है, लेकिन हम कॉमन इसको हेजल ही बुलाएंगे। तो हेजल एक पौधा होता है, पूरा उसका पेड़ होता है और उसका जो बीज होता है, बीज के चारों तरफ ऐसे ब्राउन कलर का छिलका होता है और छिलका उतारने पर जब ये रोस्ट किया जाता है, अपने आप उतर जाता है, तो ऐसे जो गिरी दिखाई देती है इसको बोलते हैं हेजलनट। हेजल इसके पेड़ का नाम है और हेजलनट इस गिरी का नाम है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, प्राचीन काल से ही, बल्कि पाषाण युग से ही ये संकेत मिले हैं कि हेजल वुड का इस्तेमाल होता आया है। प्राचीन काल से ही हेजलनट मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, खाने में इस्तेमाल होता है और बेकरी में इस्तेमाल होता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो है हेजलनट का स्वास्थ्य पर क्या असर है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हेजलनट एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, हेजलनट के फायदे आप ध्यान से सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, यानी अगर आप 100 ग्राम हेजल नट्स कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उन 100 ग्राम में से 15 ग्राम हेजलनट में प्रोटीन होता है और 60 के अराउंड फैट होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरे, इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, पेट साफ रखता है और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, बीपी कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियां कम घेरती हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो विटामिन ई की मात्रा होती है वो इतनी, 100 ग्राम हेजलनट के अंदर जो विटामिन ई की मात्रा होती है वो इतनी होती है जितनी हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई की। यानी अगर आप 100 ग्राम हेजलनट रोज खा रहे हैं तो आपको विटामिन ई बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे विटामिन होते हैं, खास तौर से विटामिन B1 थायमिन इसमें हाई क्वांटिटी में होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इसके अंदर सेलेनियम भी पाया जाता है, हालांकि वो डेली वैल्यू का 15% है, लेकिन बहुत अच्छा है। और हम कह सकते हैं कि वैसे भी सेलेनियम बहुत कम चीजों से हमें मिलता है, लेकिन 3% इसका मिल जाता है जितना हमें रोज का चाहिए। जो सेलेनियम के गुणों से वाकिफ नहीं है तो मैं उनको बताऊंगा कि सेलेनियम वीर्य को पुष्ट करने के लिए, शुक्राणुओं की मोटिलिटी को बनाए रखने के लिए और वीर्य की उत्तम क्वालिटी के लिए सेलेनियम बहुत जरूरी होता है। जब किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है या फिर शुक्राणुओं की मोटिलिटी नहीं होती है तो उस स्थिति में डॉक्टर उसको सेलेनियम प्रेस्क्राइब करता है। तो ये सेलेनियम का एक नेचुरल सोर्स है हेजल नट्स। इसके अलावा इसके अंदर इतनी खासियतें हैं, वो कैसे हैं वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ई में तो 100% जितना हमें चाहिए उतना होता है, इसके अलावा विटामिन सी भी होता है, विटामिन के भी होता है, विटामिन ए भी होता है, आयरन की इसमें बहुत अच्छी खासी हाई क्वांटिटी होती है। तो आपने देखा हेजलनट्स के फायदों के बारे में, और हेजलनट आप भी कंज्यूम कीजिए, आप भी खाइए। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, अनकॉमन है, लेकिन आप इसके रोज थोड़ा बहुत खाएंगे तो आपको इसके फायदे महसूस होंगे।
क्योंकि इसके अंदर आयरन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में। हेजलनट का जो मुझे सबसे अच्छा फायदा लगा कि अगर आप 100 ग्राम हेजलनट्स रोज कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की आपकी जो कमी है वो पूरा हो जाती है। यानी कुछ हम हेजलनट्स के जरिए ले लेंगे और कुछ हमें खाने के जरिए से मिल जाएंगे। खास तौर से इससे हमें सेलेनियम मिलता है, मैग्नीज मैग्नीशियम मिलता है और हमें इससे मिलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, फाइबर। रोज आपको इसे कितना खाना है देखिए, यूं तो कोई इसकी फिक्स वो नहीं है, लेकिन आप इसके 50 to 100 grams आप इसके खा सकते हैं। हालांकि ज्यादा अगर लगे तो आप 10 ग्राम से स्टार्ट कीजिए, आप रोज इतने हेजलनट्स या फिर इसके आधा कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हेजलनट के बारे में मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हेजलनट या फिर किसी भी आपको किसी भी जड़ी बूटी के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ये 200 ग्राम का ये पैकेट है और ये आप देख रहे हैं हेजलनट है, हेजलनट में साथ ही इसमें ये भी इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी इसमें लिखे हैं, आप यहां भी देख सकते हैं। हालांकि मैंने तो अलग अलग सोर्सेज से जुटाए हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसकी अमाउंट पर सर्विंग कितनी है, 52.8 किलो कैलोरी पर सर्विंग से मिलती है। पर सर्विंग का मतलब है 30 ग्राम, यानी 30 ग्राम आप डेली कंज्यूम कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। टोटल फैट भी इसमें दी गई है, अनसेचुरेटेड 4.8 है। दोस्तों जो नहीं जानते उनको बता दूं, फैट दो तरह की होती है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड फैट हमारे लिए फायदेमंद होती है और सेचुरेटेड फैट हमारे लिए नुकसान देने वाली होती है। कोलेस्ट्रॉल 0 mg है, बहुत ही स्पेशल बात है कि इससे हमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। सोडियम 0 mg है, यानी इससे आपके बीपी के बढ़ने का भी कोई खतरा नहीं है, बीपी मेंटेन रहेगा। प्रोटीन आप देख सकते हैं 30 ग्राम में से आपको जो प्रोटीन मिल रहा है वो 1.2 ग्राम मिल रहा है, 1.5 टोटल कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, कैल्शियम विटामिन सी और डाइट्री फाइबर भी इससे हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही स्पेशल चीज है, थोड़ा महंगा है, जैसे कि पैकेट पर जो मैक्सिमम प्राइस पड़ा है 440 का है और ये 200 ग्राम की कीमत है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा 30 ग्राम कंज्यूम कीजिए, आपको फायदा होगा, सेलेनियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम आयरन मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का आपको बटन दबाना है ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। खास तौर से मैं अपने दर्शकों को संबोधित करके कहना चाहूंगा कि वीडियो में एक नंबर दिया गया है जो कि हमारा नंबर है, और अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं, अगर आपको कोई सेक्स संबंधी समस्या है, मैं पुरुषों से बात कर रहा हूं, अगर आपको सेक्स संबंधी समस्या है खासतौर से, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम है। और अगर आप शीघ्र पतन, नपुंसकता, नामर्दी आदि रोगों से परेशान हैं तो अभी मोबाइल जेब से निकालिए और हमें वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।